अमृत महोत्सव पर साइंस कॉलेज में बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता अखिलेश शुक्ला ने विंद के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणवत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। आजादी के अमृत महोत्सव पर साइंस कॉलेज में बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता अखिलेश शुक्ला ने विंध्य के सबसे बड़े सेनानी ठाकुर रणमत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। आजादी के अमृत महोत्सव पर साइंस कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अखिलेश शुक्ला ने बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम पर विस्तृत प्रकाश डाला। विशेष रूप से ठाकुर रणमत सिंह के योगदान को उन्होंने बघेलखंडी भाषा में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया। उनका कहना था, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में कोठी रियासत वर्तमान जिला सतना के मनकारी ग्राम के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लंबे अंतराल तक अंग्रेजों से युद्ध करने के बाद अंत में छल से उन्हें रीवा के समीप उपरहटी के जलपा देवी मंदिर के तहखाने में जब वह विश्राम कर रहे थे अंग्रेज सेना द्वारा घेर लिया गया था। यह घटना 1859 की। रणमत सिंह के बारे में 4 लाइन लिखी थी, वह हमें थे बतावा चाह। मुठी मां माटी समेटी के, मुठी मां माटी समेटी के, वीर लटकदा फांसी मां, जय भारत माता बोल के प्राण निकलेगा फांसी। मुठी मां माटी समेटी के, वीर लटकदा फांसी मां, जय भारत माता बोल के प्राण निकलेगा फांसी। जहिया भय रणमत का फांसी, जहिया भय रणमत का फांसी, वह दिन रात न निकला शान, हाथ कपे चल लादन के, हाथ कपे चल लादन के, रोई इस फांसी केर फंदा, माटी के धन माटी होएगा, माटी लेके मूठी। जब तक रणमत सिंह अमर रही, नाम अमर रही, उनकर गांव अमर रही, उनकर काम अमर रही, उनकर धाम अमर रही, उनकर कुल परिवार अमर रही। अंतिम मां एहन से हम कही थे हमेशा जहां खड़े हुए थे कि जय विंध्याचल जय भारती, आबा उतारी आरती, आबा उतारी आरती, जय विंध्याचल जय भारती, आबा उतारी आरती, आबा उतारी आरती। या धरती वीर शहीदन के, ये जो धरती है, या धरती वीर शहीदन के, रणमत श्याम पद्मधर के, रणमत श्याम पद्मधर के, अल बेलन के मस्तानन के, जय रेवांचल जय विंध्य भूमि, जय विंध्याचल जय भारती, आबा उतारी आरती, आबा उतारी आरती। हम बोल रहे हैं या आजादी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कारण हमका मिली, न ही अंग्रेजन के जमाने में न हम बोल पाई न तू सुन पाओ। आज हमका बोले के विचार करे के शासन के कौनों नीति में अपन विचार रखे के लाने हमका आजादी है। ता यह आजादी हमका हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कारण मिली। ऐसे भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारे विभाग उच्च शिक्षा विभाग आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम के आयोजन कह रहा है। आपको रणमत सिंह महाविद्यालय है ना, कौन ही रणमत सिंह, वेरी गुड, इसने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कम से कम उसको ये मालूम है कि ठाकुर रणमत सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। ठाकुर रणमत सिंह 1857 के लड़ाई में रीवा राज्य में अंग्रेजन के अत्याचार से अपने यहाँ के जनता का निकाले के जाने अथक परिश्रम कहीं, अथक मेहनत कहीं, और अपन सर्वस्व, अगर आगे बताओ अपन सर्वस्व निछावर कर। रणमत सिंह के साथ सहामत खां उनका छाया बन के चला जाता। रणमत सिंह यहाँ
वहां सामत खां था और सामत खां के अन्य और साथ साथ 500-600 आदमी के सशस्त्र दल इनके साथ चलत रहा और इलाहाबाद, कटनी, जबलपुर, नागपुर तक ही अंग्रेजन का धावा कहीं हमेशा विजयी रही। शहडोल जिला में आमिल नाला के पास एक बहुत बड़ी लड़ाई है, चोटी में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब यह समय तक पूरे देश में 1857 के दौरान आंदोलन रहा वो धीरे धीरे सफल नहीं था। सफल हो ऐसे नहीं था कि पूरे देश में अलग अलग तारीख में अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति में यह भा ऐसे अंग्रेज सफल होंगे, यह आंदोलन का जवाब है।